पौड़ी पुलिस ने शहर के मधुबन होटल के समीप से अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए सीओ सदर पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके अंतर्गत कोतवाली पुलिस टीम ने अवैध जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि 1790 रुपए समेत गिरफ्तार किया। साथ ही बताया गया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। श्रीनगर रोड पर एक प्रफुल्ल कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है। वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई। घर पर ही कार्य करता है, घर पर गई और वहाँ से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान वो कुछ पर्चियाँ तथा 1790 रुपये इसमें जो है बरामद किए गए हैं। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धाराओं में इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।